हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। जैसा कि हम सबको पता ही है 11 सितंबर को एग्जाम है और एग्जाम में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो एंड में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, बट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें हम पढ़ सकते हैं, ताकि उससे हमें अपनी तैयारी का भी अंदाजा लग जाएगा और साथ ही अगर कोई इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे जो कि हमें नहीं आते हैं, वो एटलीस्ट एक बार आंखों के सामने से निकल जाएंगे, तो हमें शायद हो सकता है वहाँ पर याद आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन। सामान्य वित्तीय लेखा एवं नियम 2005 के अनुसार प्रति हजार पुस्तकों के निर्गमन तथा परामर्श पर निम्नलिखित में से किसके बराबर नुकसान उचित रूप से माना जाता है? किसके बराबर नुकसान माना जाता है? 5। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर सी नहीं, ये डी होगा और राइट आंसर क्या होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। जिल्द साजी की प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों एवं पन्नों को सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सिलाई, सुरक्षण, खिंचाई या फिर समाकलन, तो उसे क्या कहा जाता है? समाकलन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। पुस्तकालय में जिल्द साजी का प्रमुख उद्देश्य पुस्तक सामग्री को डैश प्रदान करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? पुस्तकालय में जिल्द साजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुस्तक सामग्री को क्या करना? टिकाऊ और स्थायी बनाए रखना, तो स्थायित्व और टिकाऊ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों की प्रविष्टि निम्न में से किसके अनुसार की जाती है? बिल संख्या के अनुसार, वर्ग संख्या के अनुसार, प्रकाशक का नाम के अनुसार या फिर ऑप्शन नंबर डी पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली तिथि के अनुसार? तो पुस्तकों की जो एंट्री की जाती है परिक्रमण पंजिका में, वो किसके अनुसार की जाती है? पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली तिथि के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। किस संगठन द्वारा पत्रिकाओं के रिकॉर्ड को रखने के लिए कार्डेक्स प्रणाली विकसित की गई है? ऑप्शन नंबर ए भारत के रेमिंगटन रैंड, ऑप्शन नंबर बी प्रलेखन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत के रेमिंगटन रेड द्वारा कार्डेक्स प्रणाली विकसित की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। कार्डेक्स एक कैबिनेट आकार उपकरण है जिसमें एक कैबिनेट में 16 ट्रे होती है, जिसमें से एक ट्रे में डैश अधिकतम प्रकाशन के रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं। तो एक कार्डेक्स में कितनी ट्रे होती है? 16, और प्रत्येक ट्रे में लगभग 64 प्रकाशन के रिकॉर्ड्स रखे जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। चमड़े का उपयोग जिल्द साजी की सामग्री के रूप में होता है जिसमें डैश सबसे मजबूत चमड़े होते हैं, तो सबसे मजबूत चमड़े की जिल्द साजी किसकी होती है? भेड़ के चर्म की। ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन से किसके चमड़े की जिल्द साजी मजबूत होती है सबसे ज्यादा? तो होती है भेड़ के चमड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों के निर्गम तथा आगम हेतु नहीं किया जाता है? नेवार्क पद्धति, ब्राउन पद्धति, पंजिका पद्धति या फिर अभिलेख पद्धति? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? अभिलेख पद्धति होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। पुस्तकों के निर्गम तथा आगम हेतु डे बुक पद्धति एवं खाता बही पद्धति निम्न में से किसके प्रकार है? ऑप्शन नंबर बी डेट्रॉइड व स्वचार्जिंग विधि, ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर प्रणाली या फिर अस्थाई पर्ची सिस्टम। तो डे बुक पद्धति और खाता बही पद्धति किसका प्रकार है? यह है रजिस्टर प्रणाली का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन सा कार्य परिचालन विभाग का से संबंधित नहीं है? पाठकों का पंजीकरण करवाना, पाठकों का पंजीकरण कौन सा विभाग कराता है? तो परिचालन विभाग ही कराता है, ये इसका कार्य है। दूसरा, पुस्तकों का निर्गम आगम करवाना भी परिचालन विभाग का ही कार्य है, और अतिदेय शुल्क की वसूली का कार्य भी परिचालन विभाग का ही है। यहाँ पर जो वर्गीकरण और सूचीकरण ऑप्शन नंबर डी है, तो इसका आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर वर्गीकरण का कार्य परिचालन विभाग का नहीं है, ये किसका है? तो ये तकनीकी विभाग का कार्य है, तकनीकी विभाग का कार्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से पुनर्निवेशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है? ये किस सेवा का हिस्सा है? छायांकित अनुकृतिकरण, सामयिक अभिज्ञता सेवा, अनुवाद सेवा या फिर चयनित सूचना प्रसार सेवा? ये किस सेवा का हिस्सा है? चयनित सूचना प्रसार सेवा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। वर्णात्मक जानकारी पता करने के उचित स्रोत डैश है? वर्णात्मक जानकारी पता कहाँ से की जाती है? तो ये की जाती है विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63।
शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है, शोध पत्रिका में जो सबसे पहले डेटा आता है उसे ऐड किया जाता है, और सबसे पहला डेटा कहाँ से आता है, कौन से सोर्स से आता है, तो वो आता है प्राइमरी सोर्स यानी कि प्राथमिक स्रोतों से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, संदर्भ स्रोतों में होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें लिया जाता है आसानी से पढ़कर घर पर पढ़ सकते हैं, या फिर विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर महंगे होते हैं। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, व्यापार ग्रंथ संदर्भ सूची का एक डैश है, व्यापार ग्रंथ संदर्भ सूची एक डैश है, क्या है? तो यहाँ पर वो है व्यापार पुस्तकालय के पुस्तकों की सूची। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, कवर टू कवर अनुवाद है, कवर टू कवर अनुवाद या ट्रांसलेशन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है चयनित सूचना प्रसार सेवा, SBA। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, सारकरण सेवा प्रदान करती है, सारकरण सेवा लेख का संपूर्ण वांगम विवरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ सूची ग्रंथ सूची INB में पहली बार डैश में प्रकाशित हुई थी, INB सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1947 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इंडेक्स इंडियाना एक डैश है, इंडेक्स इंडियाना क्या है? तो वो है एक विदेशी भाषा समापेक साहित्य की अनुक्रमणिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB के कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत डैश से हुई है, सन 2000 से, 2009 से, 2013 से, या फिर 2003 से? तो INB की कंप्यूटरीकृत शुरुआत कब से हुई है? 2009 से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB में मराठी भाषा के साहित्य के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, मराठी भाषा के साहित्य के लिए किस शब्द का या किस चिन्ह का? MTI। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित संदर्भ सूत्रों में से, स्रोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक खास प्रकार की जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए किसका पता किया जाता है? तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था 2016 की भर्ती में, बोनस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पर पढ़ते हैं हम, निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, एटलस का, गजेटियर का, गाइड बुक का, या फिर ग्लोब का? तो किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? गाइड बुक का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, बुक्स इन प्रिंट प्रकाशन की आवृत्ति क्या है, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक, या फिर त्रैमासिक? तो बुक्स इन प्रिंट किस रूप में आती है? वार्षिक रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा द्वितीयक सूत्र नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया जिसको हिंदी में कहा जाता है, विश्वकोश, ये द्वितीय या सेकेंडरी सोर्स है, संग्रह, डाइजेस्ट, ये भी द्वितीय स्रोत है, और पाठ्य पुस्तक, ये भी द्वितीय स्रोत है, तो कौन सा नहीं है? तो वो है शोध प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, क्या संदर्भ सेवा दो प्रकार की होती है, ऑप्शन है छायांकित अनुकृतिकरण एवं अनुवाद सेवा, अनुक्रमण एवं सार सेवा, प्रस्तुत संदर्भ सेवा एवं व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामयिक अभिज्ञता सेवा तथा सूचना प्रसार, चयनित सूचना प्रसार सेवा। तो संदर्भ सेवा दो प्रकार की कौन सी होती है, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दूसरी व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में से यह किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी, तो ये किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये प्रस्तुत संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा, किसी भी फाइल, अब यहाँ से कंप्यूटर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, कंप्यूटर एक पूरी यूनिट है जो कि 2016 की भर्ती में थी, अब की बार जो सिलेबस है उसमें तो सब कुछ मिक्स किया हुआ है, तो यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं कि स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा विकल्प दबाना होता है, इसमें कौन सा विकल्प दबाया जाता है, शिफ्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में नष्ट या डिलीट की गई
फाइलें क्या कहाँ संग्रहित होती है? रिसाइकल बीन में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, बग क्या है? बग क्या होता है? तो बग होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? फोर्टन, बेसिक, कोबाल या फिर ASCII? ASCII, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ASCII कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, CDS या ISIS में CD अक्षरों का प्रयोग किनके लिए किया गया है? किनके लिए किया गया है इसका प्रयोग? तो इसका प्रयोग किया गया है कॉम्पैक्ट डिस्क के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा नेटवर्क पोर्टल नहीं है? HTTP, SMTP, TCP या फिर JD 39.50? तो ये JD 39.50 कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा वेब 2.0 या 2.0 उपकरण नहीं है? तो कौन सा उपकरण नहीं है निम्न में से? फेसबुक, ब्लॉग, RSS फीड या फिर UGC इन्फोनेट? तो इसमें से कौन सा नहीं है वेब 2.0 उपकरण? तो ये है UGC इन्फोनेट, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या है? एक पत्रिका है, एक जर्नल है, एक विश्वकोश है या फिर एक शब्दकोश है? तो ये क्या है? एक जर्नल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मार्क के अंतर्गत शब्दों या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं? निम्न में से क्या कहा जाता है? मार्क के अंतर्गत जो शब्द या टर्म्स यूज में ली जाती है उन्हें कहा जाता है डेटाबेस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाया जाता है, स्टार्ट के बाद सेटिंग में जाकर फॉन्ट सेलेक्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबद्ध है? गूगल, याहू, साइरस या फिर अल्टाविस्ट? तो साइरस बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, उच्च स्तर भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मशीन स्वतंत्र। ये कैसी होती है? मशीन इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? ई पत्रिकाओं के बारे में ये चार कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन छापने हमें, वे डिजिटल माध्यमों से वितरित की जाती है, बिल्कुल सही है, इनका भी संपादक व संपादकीय बोर्ड होता है, ये भी सही है, यह पूर्णतया निःशुल्क होती है, ये बिल्कुल गलत है कि ये पूर्णतया निःशुल्क होती है, कई बार इनके चार्जेस भी लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनका भी क्रमिक अंतराल में प्रकाशन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? डी स्पेस, ग्रीन स्टोन, विंडो या फिर लिनक्स? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, ई प्रिंट क्या है? एक सूची, कैटलॉग, एक पत्रिका जर्नल, एक रिपोजिटरी या फिर एक हार्डवेयर? तो ये क्या है ई प्रिंट? ई प्रिंट एक रिपोजिटरी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, ई शोध सिंधु क्या है? ई शोध सिंधु क्या किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इंप्लीमेंट से संबंधित नहीं है? शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध यमुनोत्री या फिर ई शोध सिंधु? तो कौन सी संबंधित नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, शोध यमुनोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, शोध गंगोत्री के एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है ई समाचार पत्र, ई थीसिस, ई सिनोप्सिस और ई जर्नल? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप IC जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाने लगा था? तो इसका प्रयोग थर्ड जनरेशन से, तृतीय पीढ़ी से किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली तीन प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी हैं? तो इसमें तीन प्रकार की बुनियादी भाषाएं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किंडल ई बुक रीड डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? तो ये किस कंपनी का किंडल किस कंपनी का उत्पाद है या प्रोडक्ट है? तो ये है Amazon का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है?
कि ई बुक रीडर द्वारा कौन सा प्रारूप प्रयुक्त नहीं किया जाता है, बी आर एफ, ई पी यू बी, पब या फिर पी डी एफ या फिर आर टी एफ। तो यहाँ पर बी आर एफ राइट आंसर होगा कि इसका प्रयोग ई बुक रीडर द्वारा नहीं किया जाता है। तो हमारी इस वीडियो का और इस एग्जाम के 2016 के जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, और 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है वो देखते हैं, कट, और क्वेश्चन नंबर 100 क्या है वो देखते हैं हम। इनमें से कौन सा, इनमें से एक एम एस डॉस बूस्ट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है, ट्री कॉम, स्टार्ट कॉम, कमांड कॉम या फिर वर्क कॉम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, एम एस डॉस बूट डिस्क की आवश्यक फाइल कौन सी होगी, कमांड कॉम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। तो आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हमारे पूरे 100 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर से लिए गए हैं, भर्ती 2016 के क्वेश्चन हैं ये सारे। तो हो सकता है कि इस बार की भर्ती में भी इनमें से कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।